एक्टर थोड़े सेल्फिश होते हैं. देयर इज अ पार्ट ऑफ देम जो बिकॉज वो पैशन उसी के लिए जीते हैं. खासकर वो एक्टर जो ट्रेनिंग से आए हैं, थिएटर से आए हैं. और ये बात बोलने से थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि सेल्फिश वर्ड के अलग अलग इंटरप्रटेशन होते हैं. मैं चाहता 100% चाहता था कि मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, बिकॉज तरक्की तो करना चाहता था आर्थिक रूप से और बाकी चीज़ों से भी. पर जब मैं पर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. मैंने 2004 में मेरा दिवालिया भी निकल गया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कोई टाइकून बनूं. तो मैंने पैसे उधार ले लिए थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे. तो फिर मैं सड़क पे आ गया था. ऑलमोस्ट एक दिन मेरे उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि जी ऑफिस और घर दोनों गिरवी हैं. फिर मैंने अपने जीवन पर एक प्ले किया जो मेरी जीवनी पर आधारित है. वो कुछ भी हो सकता, वो मेरे फेलियर्स का प्ले था. वो मैं सारे फेलियर्स दुनिया को बताता था और उनको हंसाता था. और उस प्ले ने मुझे लिबरेट कर दिया कि फेलियर से तो कुछ भी नहीं होता है और लोग हंसा सकते हैं. उससे पैसे आने शुरू हो गए. और 6 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं घर खरीदना ही नहीं चाहता, मैं किराए के मकान पर रहना चाहता हूँ. मैं किराए के मकान पर रहता हूँ. तो आप अपने अपने नए नए मापदंड अपनी ज़िंदगी के अपने हिसाब से बनाते हैं. तो लिबरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम ऑफकोर्स देना है. बट अगर शूटिंग में जाना है तो जाना है, अगर हमको नेपाल जाना है तो जाना है. और ऐसा भी नहीं था कि जहाँ हम जाते थे वहाँ नेटवर्क बड़ा अच्छा था, बट एक सुकून था कि थैंक गॉड नेटवर्क नहीं है, थैंक गॉड यहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं है. तो अपने हाउ यू लिव लाइफ इज यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स. तो मैं वो मेरे रूल हैं. मैं वाकई बहुत लिबरेटेड महसूस हुआ. क्या मेरी किरण से इस बात में बहस हुई, उन्होंने कहा क्यों नहीं घर लेना चाहते. मैंने कहा जब मैं इस शहर में आया था मैं 37 रुपये लेकर आया था और मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ. मैं इस धर्रे में रहना ही नहीं चाहता. मुझे क्या पता मेरे बाद कौन अपना कमाएंगे, अपने घर बनाएंगे. ये मेरा ऐसा सोच रहा है.